सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं भाई जार्डन से एंड डोंट वरी जिस चीज के लिए आप आए हो यानी ऑनेस्ट रिव्यू के लिए वो मैं आपको दे दूंगा। थॉमस आपको बॉक्स देखने को मिल जाएगा फ्रेंड, आपको जार्डन की ब्रांडिंग मिल जाएगी। प्राइसिंग यहां पे लिखी हुई है 2599। अभी जज नहीं करते, पहले देखते हैं कि क्या निकलता भाई जूता। हर जार्डन के डब्बे में ना एक मीम सा पिक्चर देखने को मिल जाएगा, यहां पर लिखा हुआ है जल लीजिए थक गए होंगे आप स्नीकर्स का वेट करते करते लेट डिलीवरी करते क्या। एक नजर में बात करिए ना तो कलर पैलेट तो भाई बहुत ज्यादा प्यारा है, व्हाइट ब्राउन एंड बेज कलर इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। मल्टीपल पैचेस देखने को मिल जाएंगे। पहनने को तो ये लेदर है लेकिन इसमें आपको पीयू मटेरियल की पूरी बॉडी आपको देखने को मिल जाएगी। फ्रंट में वेंटिलेशन के लिए होल जैसे आपको बने हुए देखने को मिलेंगे लेकिन यहाँ पर वो होल्स है नहीं। लेस होल्स में आपको मेटल के आईलेट्स देखने को मिल जाएंगे। व्हाइट कलर के नॉर्मल आपको लेस मिलता है, वेल पैटर्न आपको टंग मिल जाएगा और ऊपर में आपको जार्डन की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। एक कट के बीच में की गई है जहां पर आपको थोड़ा बेज कलर देखने को मिलेगा। राइट साइड की पैडिंग वैडिंग एकदम जबरदस्त है। इनसोल में आपको पूरा मेमोरी फोम देखने को मिलेगा और येलो कलर का है जिसके ऊपर आपको जार्डन की ब्रांडिंग मिल जाएगी। बैक में आपको जार्डन की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। पूरे आउटर सोल में आपको हल्के हल्के ना टेक्सचर्स देखने को मिल जाएंगे डॉटेड वाले और नीचे की तरफ आपको मिलता है हार्ड रबर ग्रिप। हालांकि ग्रिपनेस की बात करें तो यहाँ पर जरा सा भी जूता स्केट नहीं कर रहा, तो आराम से पहनोगे भी और ट्रैक्शन भी अच्छा खासा बनेगा। ओवरऑल अगर बात करें तो यहाँ पर देखो कैसे इन्होंने ना कॉस्ट कटिंग की है। ये जितना भी बेज कलर वाला पार्ट देख रहे हो ना वहाँ पर ना आपको हल्का हल्का टेक्सचर मिलेगा। दूर से देखने पे ऐसा लगता है ना यहाँ पर स्वेड लेदर यूज हुआ है लेकिन ऐसा नहीं है। ओवरऑल मटेरियल को भी देखोगे ना तो बहुत ज्यादा हाई एंड मटेरियल आपको फील नहीं होगा लेकिन ओवरऑल जूता अच्छा फील होता है। एक और खराब चीज मुझे क्या लगी, इनसोल का कलर। स्पेशली इनको मैं खराब नहीं बोलूंगा क्योंकि एशियन से लेकर हर जितने भी ब्रांड है ना हरा पीला नीला ब्लू करते रहते हैं, हालांकि नीला ब्लू एक ही हो गया। ओवरऑल जूते को पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ ये सारी चीजें आप पीछे देख लो। इस जूते को हमने 1299 यानी 1300 रुपए में खरीदा है। अब ये कितना अच्छा है कितना नहीं ये मैं आपको नेक्स्ट वाले जार्डन जूते में बताऊंगा लेकिन उससे पहले हम देख रहे हैं भाई डॉग मार्टिन का हमारा पहला जूता। ये जो दो कंपनीज है ना उसकी डिमांड आप बहुत ज्यादा कर रहे थे। बस आपको कार्डबोर्ड का बॉक्स देखने को मिल जाएगा, आपको डॉग की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी और मस्त सा स्नीकर बना हुआ है। डिजाइनिंग मुझे अच्छी लगी बॉक्स की। फीड द ड्रीम लिखा हुआ है और इसकी प्राइसिंग है भाई 4479 यानी 79 रुपीज। फटाफट निकालते हैं और जूते भाई साहब ये क्या बना दिया इन्होंने, एक नजर में देखने वालों को ना भाई प्यार हो जाएगा, इसका किलर जूता लगता है। यहाँ पर आपको कलर ब्लॉकिंग डिजाइन देखने को मिलेगी एग्जैक्टली जॉर्डन वंस की तरह, ब्लैक व्हाइट एंड येलो कलर यूज होते हुए दिखेगा। हाई टॉप जूता है, मल्टीपल पैचेस देखने को मिल जाएंगे। फ्रंट में आपको वेंटिलेशन के लिए होल मिल जाएंगे जिसमें एक्चुअल होल है। बड़ा सा आपको टंग देखने को मिलता है। इस टंग में मुझे अच्छी बात क्या लगी, ये जो स्टिचिंग के थ्रू इन्होंने बम्प्स क्रिएट किए हैं ना वो भाई नेक्स्ट लेवल का लुक दे रहे। टंग होल्डर आपको देखने को मिल जाएगा, ब्लैक कलर के लेस मिल जाएंगे। फ्रंट में आपको एक बैच मिल जाएगा डॉग का जो कि अगेन बहुत स्पेशल लग रहा है। बैक की तरफ आपको डॉग की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। राइट साइड की पैडिंग और इनसोल की पैडिंग की बात करें ना यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं फील होने वाला। आउटर सोल की बात करें पूरा रबर का आउटर सोल इसमें आपको देखने को मिलता है, हालांकि ये रबर कम थोड़ा सा प्लास्टिक जैसा आपको फील होगा लेकिन वो बस फील है। यहाँ पर नीचे आपको डॉग की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, टंग के ऊपर आपको डॉग की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। आउटर साइड में ये जो आप अंडर सा जो डिजाइन देख रहे हो ना एक तो ये मैट भी है, ऊपर से इसका जो सरफेस है ना बहुत ज्यादा स्मूथ है। बाकी ओवरऑल जूते में आपको टेक्सचर्स देखने को मिलेंगे, साथ ही पहन के भाई बवाल आप लगने ही वाले हो, इतनी खूबसूरत इसकी डिजाइनिंग है। और वो इसलिए है क्योंकि इसकी जो इंस्पिरेशन है वो एक अलग दर्जे के लेवल के जूते से ली गई है। हालांकि छोटी सी बस मुझे प्रॉब्लम क्या लगती है ना कि एक तो इनका नाम बहुत ही ज्यादा कैची है डॉक मार्टिन्स, इसके भाई अलग लेवल के जूते मिलते हैं और सारे लेदर मटेरियल फॉर्मल टाइप के बूट सूट्स होते हैं और ये थोड़ा सा नाम से ना प्ले करते हैं डॉक मार्टिन, इनका स्पेलिंग थोड़ा अलग है। देखो प्यार जंग में सब कुछ जायज वाली बात है तो फिर ठीक है, उसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। प्राइस वाइज अगर जज करिए ना तो ये जूता भाई 3000 रुपए के आसपास का है, मैं 5 रुपए का तो उस हिसाब से ना भाई थोड़ा सा एक्सपेंसिव तो है क्योंकि एक तरफ भाई रेड टेप ना बवाल कर रही है वो भी 2000 रुपए के अंदर में। तो अगर आपको एक स्टाइलिश जॉर्डन जैसा लुकिंग वाला जूता चाहिए और फेक नहीं चाहिए तो आप डेफिनेटली इसके लिए जा सकते हो। ऑलराइट, नेक्स्ट जॉर्डन का बॉक्स आ गया हमारे पास में। यहाँ पर इसकी प्राइसिंग है 2199, आपको पे नहीं करना डोंट वरी। और ये जूते ना एक्चुअल में भाई बहुत ज्यादा फेमस है, मुझे लोगों ने ना पर्सनली रोड में रोक रोक कर बोला कि आप जॉर्डन के जूते को क्यों नहीं अनबॉक्स करते। पूरा व्हाइट कलर का स्नीकर है, मोस्ट लड़कों के लिए ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट होगा ये देखना कि व्हाइट स्नीकर कैसा निकलता है भाई। मल्टीपल आपको पैचेस देखने को मिल जाएगा, फ्रंट में आपको वेंटिलेशन के लिए होल मिलते हैं और एक्चुअल में यहाँ पर इस बार होल है जो कि पहले वाले में नहीं था। मेटल के आईलेट्स देखने को मिलते हैं, ब्लैक कलर का आपको लेस देखने को मिल जाएगा। नॉर्मल आपको पैडिंग मिल जाएगी इसके टंग में, जॉर्डन की आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी। आउटर साइड में स्टिचिंग के थ्रू बहुत सारी आपको डिटेलिंग देखने को मिलेगी और अगेन यहाँ पर वो थोड़ी सी जिगजैग जैसी ना पैटर्न बनाई गई है जो कि डॉक मार्टिन वाले करंट जैसी दिख रही है। बैक की तरफ आपको ब्लैक कलर का पैच देखने को मिलता है, नीचे आपको जॉर्डन की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। इसमें आपको एक डिसेंट अगेन वही मेमोरी फोम देखने को मिलेगा। आउटर सोल यहाँ पर आपको फोम का देखने को मिलता है, कोई बहुत ही अलग लेवल का रबर ओवर नहीं है। एंड में कैसा लग रहा हूँ ये सारी चीज आप पीछे देख लो। अगेन इस जूते की प्राइसिंग ना 1000 रुपए की है। अब 1000 रुपए में ना आपको कोई भी कंपनी ना इस लेवल का जूता बनाकर नहीं देगी और ये मैं अब तक मानता हूँ। मतलब कुछ कंपनीज होगी जैसे रोडस्टर या हाईलैंड
लैंडर में आपको मिल जाती है अच्छी अच्छी चीजें। लेकिन हाँ, एक अलग प्रॉपर ब्रांड की बात करें ना, जो सिर्फ जूता बनाता हो, उस हिसाब से ये एक अच्छा जूता है। ऑलराइट, नेक्स्ट डॉक मार्टिन का जूता आ गया हमारे पास, फटाफट से निकालते हैं। इसकी प्राइसिंग यहाँ पर है 3,999। ऑलराइट, इस पर्टिकुलर अगर जूते की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल लुक तो भाई इनका खूबसूरत लगता है। पूरी बॉडी अगेन आपको प्योर टाइप के मटेरियल की मिल जाएगी। मटेरियल की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, थोड़ा सा स्मूथ है। मल्टीपल पैचेस आपको देखने को मिल जाएंगे, वेंटिलेशन के लिए फ्रंट में आपको होल मिल जाएगा। इसमें भाई आपको डबल टंग देखने को मिलेगा और दोनों टंग को भाई पकड़ रखने के लिए एक बड़ा सा यहाँ पर पैच लगाया गया है। व्हाइट कलर का आपको लेस देखने को मिल जाएगा। साइड साइड की पैडिंग वैडिंग अगेन बहुत ज्यादा अच्छी, इनसोल की क्वालिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी है। अल्ट्रा सोल इसका पूरा रबर का बना हुआ है, दो कलर में है। नीचे आपको फ्लोरोसेंट ग्रीन कलर देखने को मिल जाएगा। आई विश ब्राउन होता या कोई और कलर होता ना तो ज्यादा मेरे लिए अच्छा होता, ज्यादा पहनने योग्य हो जाता, लेकिन फिर भी ठीक है। नीचे में आपको फीड द ड्रीम लिखा हुआ मिल जाएगा और नीचे भी आपको वो इसकी बिजली देखने को मिलेगी। ये बिजली और ये सारी जो ब्रांडिंग है ना, ओवरऑल हर जगह पर देखने से ऐसा लगता है कि हाँ, कंपनी ने ना प्रॉपर अपना पर्सनलाइज्ड जूता बनाया। ऐसा नहीं कि कहीं से भी उठा के भैया सोल दे दो, भैया टंग दे दो, भैया इनसोल दे दो, ऐसा जोड़ जाड़ के एक जूता कर दिया और ऊपर में ब्रांडिंग लगा दी, वो इसमें फील नहीं होता। बैक की तरफ देखोगे तो भाई एम्ब्रॉयडरी के थ्रू यहाँ पर कैटलिस्ट लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल पहन के मैं ऐसा लग रहा हूँ, ये सारी चीज आप पीछे देख। और जहां तक बात करें इसके अमेजिंग से लुक की, यानी इसके डबल टंग की ना, ये कोई नई चीज नहीं है। नाइकी का एक जूता आता है, मुझे याद नहीं अभी उसका नाम, जिसमें ना हर चीजें डबल होती है। इसकी प्राइसिंग 2400 रुपए के आसपास की है और उस हिसाब से अगर जज करें, अगेन रेड टेप विंस। अगर देखो ये जूता आपको पसंद आ रहा है तो आप भाई पैसा सोचोगे ही नहीं, आप खरीद लोगे क्योंकि ये आपको पसंद आ रहा है। अगर मार्केट की बात करें ना कि क्या इससे अच्छा कोई बेच रहा है, उस जगह पर भाई रेड टेप जीत जाती है। ऑलराइट, नेक्स्ट इन द लास्ट जॉर्डन का जूता आ गया हमारे पास में, एक और डॉक मार्टिन वाला बचा हुआ। प्राइसिंग यहां पर लिखी हुई 2599, बड़ा बड़े से निकालते हैं और इसमें एक अलग सा और मीम आपको देखने को मिलेगा जहां पर लिखा हुआ है, अब सिर्फ जेसीबी की खुदाई नहीं, लोग रुक रुक के आपको भी देखेंगे। ऑलराइट, जस्ट लुक एट दिस। भाई ऐसा लग रहा है मैं पूमा का कोई BMW मोटर सीरीज का जूता देख रहा हूँ। अगर इस जूते की बात करें, फटाफट कागज को निकालते, भाई जूता बहुत ज्यादा हल्का है। क्यों है? क्योंकि पूरी बॉडी इसका जो बेस है ना, वो मेश का बना हुआ है, एकदम क्लियरली आप देख सकते हो। मल्टीपल आपको पैचेस देखने को मिल जाएंगे, PU मटेरियल के पैचेस है और इसमें आपको व्हाइट, रेड एंड ब्लू कलर देखने को मिलेगा, जिसके कारण ये थोड़ा मोटो सीरीज वाला आर्टिकल लग रहा है। व्हाइट कलर का आपको लेस मिलता है, पूरा मेश का बटन मिल जाएगा। जॉर्डन की आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी, साइड साइड की पैडिंग वैडिंग जबरदस्त है। इनसोल में आपको अगेन वही मेमोरी फोम देखने को मिलेगा, बैक की तरफ आपको फुल टैप देखने को मिल जाएगा और बैक में भी आपको वो डुअल पैचेस देखने को मिलेंगे रेड एंड ब्लू कलर के, जहां पर आपको जॉर्डन की ब्रांडिंग मिल जाएगी। अब पिछले बार हमने जब भी जॉर्डन दिखाया था ना, उसमें हमने आपको बोला था कि जॉर्डन का जो लोगो है ना, वो बड़ा ही ना बच्चों वाला लोगो लगता है। ऐसा लगता है कि कोई किड्स ब्रांड का ना जूता है। या तो आप इसे इम्प्रूव कर लो, या तो कोई अपना एक अच्छा लोगो बनाओ जिसको यहाँ पर लगाओ, कुछ भी करो यार, मतलब ये अच्छा नहीं लग रहा उतना मेरे को। आउटर सोल वही आपको सेम देखने को मिल जाएगा जो कि पिछले वाले जूते में था, अच्छा है, रबर का है और यहाँ पर भी आपको ग्रिपनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहन के मैं ऐसा लग रहा हूँ, ये सारी चीज आप पीछे देख लो, वापस यही कहना है बस, 1100 रुपए में इस तरह का जूता, इतना स्टाइलिश, इतना वेल बिल्ड जूता आपको नहीं देखने को मिलेगा। एंड अब मैं समझ रहा हूँ क्यों लड़के परेशान हो रहे थे, इन्होंने भी ना भाई प्रॉपर गेम खेला है। जॉर्डन जॉर्डन गार्डन गार्डन। ऑलराइट, नेक्स्ट एंड द लास्ट जूता के हमारे पास में जो आता भाई डॉक मार्टिन के तरफ से, प्राइसिंग यहाँ पर लिखी हुई है 3,799 रुपए। इतना आपको पे नहीं करना, डोंट वरी, फटाफट निकालते हैं। और भाई देखते साथ ही ना, पता कोई भी जूता देख लू ना, उसका दादे परदादों ने भी ना अगर कोई जूता निकाला होगा ना, वो मेरे को याद आ जाता है। और ये जूता देखकर मुझे दो जूते की याद आ रही है, मैं आपको एंड में बताता हूँ। बिल्ड क्वालिटी या लुक वाइज ना बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है जूता। ओवरऑल पूरा स्नीकर ब्लैक कलर का तो है, लेकिन इसमें आपको दो तरह की ना फिनिशिंग देखने को मिलेगी लेदर पे। एक आपको टेक्सचर लेदर देखने को मिलता है जिसमें क्रैक टाइप की फिनिशिंग है और दूसरा पूरा स्मूथ लेदर है। इसमें आपको व्हाइट कलर की ना एक्सपोज्ड स्टिचिंग देखने को मिलेगी जो कि इसमें एक और अलग सा लुक ऐड करती है। ब्लैक कलर आपको लेस देखने को मिल जाएगा, फ्रंट में आपको वही छोटा सा नेम प्लेट जैसा देखने को मिलता है, डॉक यहाँ पर लिखा हुआ है जिसको बोलते हैं चार्म्स। टंग में आपको वेल पैडिंग देखने को मिल जाएगी, पूरा टंग भी लेदर का है और ऊपर में आपको डॉक की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। राइट साइड की पैडिंग वैडिंग जबरदस्त है, इनसोल की भी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। फ्रंट में आपको वेंटिलेशन के होल के नाम पे सिर्फ 5 छेदे मिलते हैं, ज्यादा तो हमारे शरीर में। बैक में आपको डॉक की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। आउटर सोल की बात करें, वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाया गया जो कि पिछले वाले डॉक में था। पूरा रबर का आउटर सोल है, दो कलर में है, ब्लैक एंड कैरेट रेड टाइप का थोड़ा इसका कलर है। डॉक की आपको यहाँ पर भी ब्रांडिंग मिल जाएगी, मतलब प्रॉपर ना वेल बिल्ड अच्छा जूता आपको फील तो होगा। लेकिन एज अ ग्रोइंग ब्रांड, बस मैं आपको यही सजेस्ट कर रहा हूँ ना, ब्रांड के लिए बात है, थोड़ा सा प्राइस डाउन करो, जूता ज्यादा बिकेगा। क्योंकि ये जूता भाई एग्जैक्टली द सोल स्टोर के नारुतो वाले जूते से मिलता है। अगर उससे ऊपर की बात करें तो ये आपको नाइकी जॉर्डन 1 ट्रैविस स्कॉट ब्लैक फैंटम, यही शायद उसका नाम था, वैसे ही एग्जैक्टली देखने को मिलता है। तो उस हिसाब से मैं बस सजेस्ट करूं कि प्राइस थोड़ा लो कर लो, बाकी जूता बहुत ज्यादा अच्छा है, डेफिनेटली जा सकते हो। कंपैरिजन की बात करें तो भाई दोनों में कंपैरिजन हो नहीं सकता, 1000 में बेच रहा है, 3000 में बेच रहा, दोनों अपनी जगह बेस्ट है। बाकी सारे प्रोडक्ट के लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय, जय हिंद, पीस, बूम।